आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आप नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के यूजी सेशन 22-26 का सेमेस्टर वन का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे घर बैठे बिल्कुल आसानी से फिल कर सकते हैं। फ्रेंड, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको A to Z फॉर्म भर के और रिसिप्ट डाउनलोड करके भी दिखा देंगे इसी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ एग्जामिनेशन BA, BSc, BCom ऑनर्स और जनरल सेमेस्टर वन का फॉर्म फिल किया जा रहा है, जो कि फॉर्म फिलिंग डेट है फ्रेंड 26 मई से फिल किया जा रहा है और इसका लास्ट डेट 4 जून 2023 तक है। तो 4 जून 2023 से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। यहाँ पे फी के बात किया जाए तो यहाँ पे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का ₹400 पेमेंट करना होगा। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे हो गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फ्रेंड। और वहीं प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में आपको ₹500 पेमेंट करना होगा, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, जियोग्राफी, ये सब प्रैक्टिकल वाला पेपर है, तो इसमें आपको ₹500 पेमेंट करना होगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो NPU के ईमेल ID है और यहाँ पे फ़ोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, तो इस पर आप कॉल कर लीजिएगा। बाकी सब तो आपको पता है, आप रीड कर लीजिएगा। नंबर 7 पे यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट आर एडवाइज टू पुट ABC ID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपको ABC ID फिल करना होगा। तो इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना दिया है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और जहाँ से आप लोग कमेंट करते हैं वहाँ पे भी मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा वीडियो फ्रेंड। ABC ID इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ लोग आधार नंबर दे रहे हैं, तो आपको आधार नंबर नहीं देना है फ्रेंड, इससे आपको आगे दिक्कत हो सकता है। तो आपको ABC ID बनाकर ही देना है। ABC ID 2 मिनट में बन जाता है, तो आप ABC ID खुद से बना के ही इंटर कीजिए। बाकी इंस्ट्रक्शन आप रीड कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड। चलिए फॉर्म फिलिंग के लिए यहाँ पे इसे हम कट कर लेते हैं और सिंपल आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मोबाइल फ़ोन में कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइड में कर लीजिएगा। आपके पास जो भी डिवाइस अवेलेबल है सिंपल आप उसमें गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। चलिए गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं और यहाँ पर NPU के ऑफिशियल वेबसाइट को टाइप कर लेते हैं। तो चलिए आपको टाइप कर लेना है www.npuuniv.in। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं आपको ये टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपको जैसे ही आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन में आपको रिजल्ट, एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे आपको 3 लाइन करके मिलेगा, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको रिजल्ट, एग्जामिनेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपल एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। चलिए एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं UG सेमेस्टर 1 22-26 यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नंबर 3rd के ऊपर। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है UG सेमेस्टर 1 22-26। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। मेरे पास एक पहले से यूजर नेम एंड पासवर्ड सेव है तो यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो सिंपल हम यहाँ पर न्यू अकाउंट आपको बना के दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सेमेस्टर वन के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास पहले से कोई अकाउंट तो है नहीं। तो यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग चांसलर पोर्टल वाला ट्राई करेंगे, तो आपको ट्राई नहीं करना है, क्योंकि ट्राई करने से भी वो होगा नहीं, उसका वो अलग है, वो झारखंड यूनिवर्सिटीज़ का है और यहाँ पे NPU यूनिवर्सिटी का है। तो वो आपको चांसलर पोर्टल वाला टाइप करके ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे कभी भी लॉग इन होने वाला नहीं है। तो सिंपल आपको क्रिएट एन अकाउंट नीचे में क्लिक करना है। ये सब के लिए करना है फ्रेंड, क्योंकि सेमेस्टर वन में आपको अकाउंट एक बार बनाना ही पड़ेगा, इसके बाद आपको अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको फुल नेम देना है, यहाँ पे आपको यूजर नेम इंटर करना है। यूजर नेम का फॉर्मेट रहेगा नेम और उसके बाद कुछ आपको डिजिट्स यूज करना है, वैसे डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं। पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है, पासवर्ड में भी आप नेम देंगे, स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं जैसे @, हैच वगैरह,
और उसके बाद कुछ डिजिट यहाँ पे यूज कर लेंगे। सेम पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है और एक मोबाइल नंबर जो आपका मोबाइल नंबर चालू होगा यहाँ पे देकर सिंपल साइनअप के ऊपर क्लिक करना है। चलिए इसे फिल कर लेते हैं और पासवर्ड का फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं, सेम इसी प्रकार से आपको बना लेना है। और अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। चलिए इसे हम फिल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आपको ओटीपी इंटर कर लेना है। चलिए हम अपना ओटीपी इंटर करते हैं। यहाँ पे हमने OTP इंटर कर लिया है, अब सिंपल वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देख सकते हैं आपका फुल नेम शो करेगा, यहाँ पे आपका यूजर नेम शो करेगा, ईमेल आईडी शो करेगा, मोबाइल नंबर शो करेगा। अब आपको प्रोफाइल पिक्चर और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम प्रोफाइल पिक्चर एंड सिग्नेचर अपलोड करते हैं। उससे पहले आपको एक स्क्रीन शॉट यहाँ पर ले लेना है ताकि आप यूजर नेम पासवर्ड अगर भूल भी जाते हैं तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको इसे नोट करके रख लेना है। चलिए यहाँ पे हम लोग प्रोफाइल पिक्चर एंड सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। सिंपल आपको चूज पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना पिक्चर चूज कर लेना है। ओपन करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर आ गया। अब सिंपल अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। चलिए चूज सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे सिग्नेचर के ऊपर भी यहाँ पे सिग्नेचर आ गया और सिंपल इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर आ गया और सिंपल यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा प्रोफाइल सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पे मेरा अपलोड सक्सेसफुली हो गया है। अब सिंपल साइन अप के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन आपका नेम आ जाएगा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन यूनिवर्सिटी पोर्टल, योर यूजर नेम और एंड पासवर्ड, यहाँ पे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड शो करेगा, आपको इसे सेव करके रख लेना है। तो चलिए सिंपल हम गो फॉर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही गो फॉर लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा ये आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा और यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल कर लेगा। यहाँ पे मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड हमने सेव किया तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया। अब सिंपल यहाँ पे हम लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। चलिए लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा ये आपका लॉगिन हो जाएगा, आप जो अभी फोटो अपलोड किए थे यहाँ पे शो करेगा। सिंपल आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए एग्जामिनेशन फॉर्म थर्ड नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यूजी सेमेस्टर 1/22/26। सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको कोर्स को सिलेक्ट करना है। तो चलिए कोर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक यूजी है और एक NEP UG नेप यूजी है, तो आपको नेप यूजी को सिलेक्ट करना है। NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूजी, जैसा कि सेशन 22/26 है तो आप सेशन 22/26 के भर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको NEP नेप यूजी के ऊपर सिलेक्ट करना है सेकेंड नंबर पे। उसके बाद तो यहाँ से आप स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका स्ट्रीम है, कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, जो भी आपका है आप अपने अनुसार चूज करेंगे। यहाँ पे हम आर्ट्स का फिल कर रहे हैं तो हम आर्ट्स चूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आर्ट्स चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, सेम प्रोसेस है सबका, आर्ट, साइंस, कॉमर्स सबका। तो यहाँ पे आपका जो है आप सेलेक्ट कीजिए, हम यहाँ पे आर्ट्स के फिल कर रहे हैं बट प्रोसेस सबका सेम है फ्रेंड। तो यहाँ पे आर्ट्स हम सिलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर ईयर चूज करना है, तो यहाँ पे सिंपल आप 1 कर देंगे और यहाँ पे आपको स्टूडेंट टाइप में रेगुलर स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, क्वेश्चंस होगा कि हम रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से दें, हमको तो कॉलेज से मिला ही नहीं है। तो जी हाँ फ्रेंड, आपको कॉलेज से नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपको ऑनलाइन ही इसे डाउनलोड करना पड़ेगा खुद से। तो ये कैसे डाउनलोड करना है तो इसका जो है प्रॉपर वीडियो हम अलग से बना दिए हैं। कौन सा वीडियो है तो आपको हमारे चैनल पे आना है और सबसे ऊपर में ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा।
ये वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और कमेंट करते हैं वहाँ भी हम दे सकते हैं, तो वहाँ भी चेक कर लीजिएगा। यही वीडियो है, देख सकते हैं, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी यूजी सेम वन सेशन 22-26 रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस इसमें हम बिल्कुल आसानी से A to Z बताए हैं, डाउनलोड करके दिखाए हैं, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। ये आपको वीडियो हमारे चैनल के होम पेज पे ही मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वीडियोज में सबसे ऊपर ये आपको दिखाई देगा, सेकंड थर्ड नंबर पे यही वीडियो है फ्रेंड, देख सकते हैं। ये वीडियो आपको देख लेना है, और यहाँ पे आपको एक ABC ID के भी ज़रूरत पड़ेगा, तो वो भी वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा आप। चलिए हम आते हैं फॉर्म पे, तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर लेंगे। जैसा कि हम आपको बताएं फ्रेंड, आपको वीडियो को देख लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप 2 मिनट के अंदर प्राप्त कर लीजिएगा वीडियो के मदद से, तो आपको सेम प्रोसेस करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं है चांसलर पोर्टल के, फिर भी आप 1 मिनट 2 मिनट के अंदर सारा कुछ प्राप्त कर लीजिएगा, तो वो बिल्कुल आसान है, वीडियो देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर यहाँ पे कर लेते हैं, तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है NPU 2022। आपको पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर लेना है, यहाँ पे हम इंटर कर लिए हैं, सिंपल सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, आपका पूरा डेटा यहाँ पे सर्च में आ जाएगा, देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा। और यहाँ पे जो अभी हमने फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड किया था, वही फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं वही फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। अब यहाँ पे आपका नेम वगैरह सारा कुछ इसमें फिल रहेगा, आप कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पे सुधार कर पाएंगे। यहाँ पे अगर कोई भी अगर आपको डाउट लगता है, यहाँ देख सकते हैं क्लास रोल नंबर वगैरह भी रजिस्ट्रेशन नंबर से ही फेच कर लिया है फ्रेंड। इसमें आपको अलग से अगर फिल करना है, तो यहाँ पे एक ABC ID के ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बना दिया है फ्रेंड, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कुछ नहीं किया जा सकता है। वैसे ABC ID बनाना बिल्कुल आसान है, बस आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, तभी ABC ID कार्ड बनेगा। या फिर अगर आप पहले डिजी लॉकर में कभी रजिस्टर किए हैं, तो डिजी लॉकर से ही बनता है ABC ID, उसका वीडियो आपको चैनल के ऊपर ये देख सकते हैं, ABC ID हाउ टू मेक ABC ID कार्ड, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ABC ID कार्ड देना होगा, यहाँ पे ABC ID कार्ड जो 12 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे इंटर कीजिए, और यहाँ पे अपलोड ABC ID डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको ABC ID को अपलोड कर देना है। नीचे चलिए स्क्रॉल करके आते हैं, नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस सेक्शन है, तो यहाँ पे एड्रेस आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको नहीं देना है, विलेज दे दीजिए, और पोस्ट PS दे सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड इंटर कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट इंटर कीजिए, स्टेट इंटर कर दीजिए, और यहाँ पे अगर आपका दोनों एड्रेस यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे टिक कर देंगे, ये आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। यहाँ पे नीचे में आपको देख सकते हैं कॉलेज स्ट्रीम नेम, यहाँ पे आपका कॉलेज नेम शो करेगा, स्ट्रीम शो करेगा, सब्जेक्ट शो करेगा, ये सब ऑटोमेटिकली फिल रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फिल रहेगा। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए हम लोग ऊपर में फिल कर लेते हैं, यहाँ पे ABC ID और एड्रेस ही फिल करना है, उससे ज़्यादा कुछ इसमें फिल करना नहीं है। चलिए इसे फिल कर लेते हैं। ABC ID के बारे में एक बार फिर से बताना चाहेंगे फ्रेंड, कि यहाँ पे आपको ABC ID ही इंटर करना है, आधार नंबर नहीं देना है, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है, और इसमें अगर आप 1-2 साल करके छोड़ते हैं, तो आपको ABC ID कार्ड अगर रहेगा, तो उस पर आपको पता चल जाएगा कि आपने 1 वर्ष करके छोड़ा है, और यहाँ से आप 1 वर्ष का अलग से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बट ABC ID नहीं दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप ABC ID ही बनवा कर दीजिए। मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो लिंक करवा लीजिए, अभी 4 जून तक फॉर्म फिल किया जाएगा, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करवा के बनवा लीजिए। ABC ID कैसे बनाना है, तो चलिए हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, वैसे वीडियो आप देख लीजिएगा, वीडियो में हमने डिटेल बताया है। यहाँ पे डिजी लॉकर सर्च कर लेना है, आपको डिजी लॉकर ओपन हो जाएगा,
डिजी लॉकर जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पर अगर आपको कभी भी अकाउंट नहीं बनाया है तो फर्स्ट टाइम साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप कर लीजिएगा, यहाँ पे आधार पे जो आपका नाम है दे दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट आपको कर लेना है, जो भी आपका है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल यहाँ पे जेंडर आप चूज कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर, 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आपको इंटर कर लेना है जो आपको याद रहे, 6 अंक का पिन यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा और यहाँ पे आधार नंबर, ये 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन आपको अपने मन से इंटर करना है। तो यहाँ पे 6 डिजिट इंटर करके सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको साइन इन कर लेना है। साइन अप कर लेने के बाद आपको दोबारा से साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे साइन इन के ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपसे मोबाइल नंबर एंड जो आप 6 डिजिट का पिन बनाए थे वो मांगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में जब साइन इन कीजिएगा तो इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। वैसे आप वीडियो देख लीजिए, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए हम लोग फॉर्म पे आते हैं। यहाँ पे चलिए हम ABC ID अपना इंटर कर देते हैं और यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। चलिए इसे हम फिल कर लेते हैं। ABC ID अपलोड करने के लिए सिंपल यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप जो भी ABC ID डाउनलोड किए हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल अपलोड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये आपका ABC ID कार्ड अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ABC ID कार्ड PDF फॉर्मेट में ही अपलोड हो गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन हट गया है, ABC ID कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन हट गया है। अब चलिए यहाँ पे एड्रेस फिल करते हैं। यहाँ पे अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। चलिए टिक कर देते हैं। देख सकते हैं नीचे में ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। यहाँ पे हम सारे डिटेल्स को लगभग फिल कर चुके हैं। चलिए स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे सिंपल डिक्लेरेशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और सिंपल यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। चलिए वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपका फॉर्म आ जाएगा और यहाँ पे 400 रुपया पेमेंट करने के लिए बोलेगा। आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। प्रीव्यू के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका फॉर्म दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। बट ये मोबाइल फ़ोन में शो नहीं करेगा फ्रेंड, यहाँ पे हम आपको क्लियरली बता दे रहे हैं, बट उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल फ़ोन में शो नहीं करता है। चलिए यहाँ पे हम कैंसिल इसे करते हैं और यहाँ पे सिंपल गो टू पे के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे 400 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, तो चलिए गो टू पे के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही गो टू पे के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट सबमिट रिक्वेस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको 15 मिनट के अंदर पेमेंट कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट करना पड़ेगा आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे विथ आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो हम पेमेंट करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे विथ में आप देख सकते हैं HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, EMI, नेट बैंकिंग, आपके पास जो अवेलेबल है। HDFC बैंक का है तो और भी अच्छा है, नहीं तो अगर अदर बैंक का है तो आप अदर बैंक डेबिट कार्ड के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो हम अभी इसी से पेमेंट करेंगे। चलिए इससे हम पेमेंट करने के लिए अदर बैंक डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे थ्रू को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे थ्रू में आपके पास जो भी डेबिट कार्ड है, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, रुपए कार्ड, जो भी कार्ड है सबसे ऊपर में लिखा होता है कॉर्नर पे, देख लीजिएगा ऊपर में ही आपको राइट साइड कॉर्नर पे मिल जाएगा वीजा, मास्टर, मेस्ट्रो, रुपए लिखा होता है। तो मेरे पास अभी रुपए कार्ड डेबिट कार्ड है, रुपए यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कार्ड नंबर इंटर करेंगे, कार्ड पे जो नेम है, और यहाँ पे मंथ इंटर करके CVV इंटर कर देंगे और सिंपल कंफर्म पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे सारे डिटेल्स को हम फिल कर लेते हैं। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपल कंफर्म पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके मर्चेंट नेम देख सकते हैं, यहाँ पे 400 रुपया पेमेंट करना होगा, तो आपके मोबाइल पे वन टाइम पासवर्ड गया होगा। चलिए यहाँ पे पासवर्ड को इंटर कर लेते हैं, OTP जो आया है उसे इंटर कर लेते हैं, 073939। इंटर करने के बाद सिंपल मेक पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपका पेमेंट प्रोसेस होगा। यहाँ पे आपको कट नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं दिस NPU पेज कैन नॉट बी फाउंड, इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपका पेमेंट कट गया है तो आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना है। अगर आपका पेमेंट नहीं कटा है तभी आप दोबारा पेमेंट कीजिएगा,
मेरा पेमेंट अभी कटा नहीं है, तो यहाँ पे हम रिलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर आपको दोबारा से यहाँ पे रिलोड के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं नहीं आ रहा है, तो दोबारा से हम लॉगिन करेंगे और फिर से पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए हम पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट करने के बाद जब हम फाइनल रिसिप्ट आपको दिखा देंगे, इसी प्रकार आपको पेमेंट कर लेना है। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल रिसिप्ट आ जाएगा। चलिए हम दोबारा से पेमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2-3 बार ट्राई किया फ्रेंड, बट मेरा पेमेंट कट नहीं रहा है। मेरे पास अभी SBI का कार्ड है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको पेमेंट कर लेना है जो भी आपके पास पेमेंट गेटवे है। और यहाँ पे जो प्रीव्यू का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलने लगेगा। सेम यहीं पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलने लगेगा। दोबारा से आपको लॉग इन कर लेना है। जब भी लॉग आउट होता है, आपको सेम प्रोसेस से जैसे फर्स्ट टाइम आए थे आपको लॉग इन कर लेना है। बैक आ जाने के बाद फ्रेंड दोबारा से सेम वही करना है आपको। यहाँ पे सिंपल आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को टाइप करके दोबारा से चले जाना है। यहाँ पे अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो चलिए यहाँ पे सिंपल आपको एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। सेम प्रोसेस वही है, यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद दोबारा से आपको सर्च कर लेना है। एग्जामिनेशन फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पे UG सेमेस्टर 1/22/26 के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कोर्स को सेलेक्ट करना है। सेम प्रोसेस वही है जो आप पहले किए थे। और यहाँ पे आपको यहाँ पे रोल नंबर दे के जैसे ही सर्च कीजिएगा, आपका यहाँ पे डेटा आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ट्रांजेक्शन वाज कैंसिल। तो यहाँ पे हमने ट्राई किया फ्रेंड पेमेंट करने के, बट मेरा SBI कार्ड से पेमेंट कट नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम बाद में ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका पेमेंट हो जाता है तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपके पास अगर अदर बैंक का डेबिट कार्ड है तो उससे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि SBI से सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है इसमें पेमेंट करने में फ्रेंड। या फिर आप नेट बैंकिंग ट्राई कर सकते हैं। मैं तो चलिए यहाँ पे हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे अभी प्रीव्यू आ रहा है, बट जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, आपको ये प्रिंट करके रख लेना है। यहाँ पे सेम प्रोसेस है, ये देख सकते हैं, ये अभी इस पे प्रीव्यू लिखा हुआ आ रहा है। इसको आपको सेव कर लेना है। सेम प्रोसेस यही है फ्रेंड। जैसे ही आप इसको सेव कर लीजिएगा, आपको इसे प्रिंट निकलवा लेना है। मोबाइल फ़ोन में अगर नहीं निकलता है तो आप किसी के लैपटॉप में लॉगिन करके निकाल सकते हैं, कहीं भी निकलवा सकते हैं फ्रेंड। किसी के भी डिवाइस में लॉगिन करके आप यूजर नेम पासवर्ड के मदद से निकाल सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।